आज हम बनाना है फिश नगेट्स। उसके लिए हमने चिकन फिश लिए आधा किलो, वो हमने इसे छन्नी में रख के भाप दे ली थी। भाप में ये देखें बिल्कुल गल चुकी है ये। अब हम इसे मैश करेंगे। सबसे पहले इसे पानी में नहीं उबालना है आपने, आपने इसे भाप में पका लेना है। पानी पानी डाल के पतीले में और फिर किसी छन्नी में रख दें आप और इसको भाप दे दें। जब ये भाप में आ जाए, गल जाए, तो उसके बाद इसको इस तरीके से करें जिस तरीके से हम कर रहे हैं। ये हमने मैश कर लिया है। अब हम इसके अंदर दो अदद आलू डालेंगे जो हमने उबाल के रखे हुए हैं। और अच्छा, हमने आलूओं को खुश कर लिया था उबालने के बाद ताकि हमारे नगेट सही बन सकें, तो हमने इसको भी मैश कर लेना है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर जो चीज़ें डालना है वो आप देखते जाएँ। इसके अंदर हम अजीनो मोतो डालना है 2 इंच, 1 चम्मच हमने कुटा हुआ पिसा हुआ घसीरा लिया है और 1 चम्मच भर के काली मिर्चें जो हमने कूट के रखी हुई थी। हमने मछली को नमक के पानी से धोया था इसलिए हम इसके अंदर नमक कम डालेंगे, बिल्कुल मामूली सा, यानी 2 पिंच नमक आलूओं के हिसाब से लेंगे। आधी चमची हम लेंगे वाइट पेपर। अब हम इसे हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। हमने इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब हम इसके नगेट्स बनाएंगे। अब हम इस तरीके से इसे बनाएंगे, ये देखें इस तरह की शेप देंगे। हमें हाथों में कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। अगर हम मछली को उबाल लेते तो वो गीला गीला हो जाता और फिर नगेट्स बनते नहीं, तो इसलिए मछली को हमने पानी में डाल के नहीं उबाला, हमने इसे स्टीम दी। इसलिए ये देखें कितने अच्छे नगेट्स बन रहे हैं हमारे। इसी तरीके से हम सारे नगेट्स तैयार कर लेंगे। आप गोल शेप देना चाहें गोल दे सकते हैं, चौकोर देना चाहें चौकोर दे सकते हैं। अगर आपके पास सांचे हैं तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे नगेट्स तैयार कर लेंगे। एक प्याली मैदा है, अब इसके अंदर हम वाइट पेपर डालेंगे आधी चमची, 1 पिंच नमक और उसे हम हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। हमने इसे मिक्स कर लिया है। नगेट्स उठाएंगे अपने। अब हमने एक अंडा लिया था, उसको हमने फेंट कर रखा हुआ था, अब अंडे में लगाएंगे इसे। इसके बाद ब्रेड क्रम्स, इसी तरीके से हम सारे नगेट्स तैयार कर लेंगे। फिश नगेट्स हमने सारे तैयार कर लिए हैं और आप चाहें तो इसे फ्रीज करके भी रख सकते हैं एयर टाइट डब्बे में, किसी पैकेट में बंद करके भी रख सकते हैं फ्रीजर में। और कोई मेहमान आता है आपका तो अचानक ही आप निकाल के और इसको फ्राई करके खिला सकते हैं। बहुत जायकेदार, बहुत मज़ेदार बनते हैं। हमें इसमें से थोड़े से तैयार करके हम आपको अभी दिखाते हैं। हमने तेल को गर्म कर लिया है। तेल इतना गर्म होना चाहिए कि आप ये डालें नगेट्स तो जल ना जाए। तो हम लो फ्लेम पर इसे बनाएंगे ताकि ये अंदर तक पक जाए, सेक जाए। धीमी आंच पर बनाएंगे आप तो ये बहुत अच्छे सिकेंगे, वरना ये तेज आंच पर बिल्कुल जल जाएंगे और अंदर से भी कच्चे रह जाएंगे। तो इसको आप लो फ्लेम पर बनाएं। अब हम इसे पलट लेंगे। हम बिल्कुल लो फ्लेम पर बना रहे हैं। ये देखिए कितने अच्छे तैयार हो रहे हैं। आप भी इसी तरीके से बनाएं अपने घर में। इसका तरीका भी यही है कि बिल्कुल ही लो फ्लेम पर बनाएं तो ये बहुत खस्ता और क्रंची बनते हैं। ये देखिए नगेट्स कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। इसी तरीके से आप बाकी नगेट्स भी तैयार कर लें। बिल्कुल बाजार वाले नगेट्स तैयार हुए हैं ये देखिए कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं दोनों साइड से। ये देखें हम इसे तोड़ कर भी आपको दिखाएंगे।
ये देखिए कितने अच्छे नगेट्स तैयार हुए हैं। आप लोग भी अपने घरों में इसी तरीके से तैयार करें और हमें बताइएगा कि आपको कैसे लगे।